कैलकुलेट करना है तो इसको हम लिख सकते हैं सिक्सटी रेशियो फोर्टी एट प्रोपोर्शन थर्टी रेशियो हमने जो फोर्थ प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है वो अनोन है तो इसको हम एक्स सपोज करते हैं तो so, स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं सिक्सटी इज डिवाइडेड बाय फोर्टी एट इज इक्वल टू थर्टी इज डिवाइडेड बाय एक्स अगर हम इसका रेसी ब्रोकर लें तो हम इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड डिवाइडेड इज इक्वल टू अब पे में जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू फोर्टी एट इज डिडेड बाई सी इसको सिंप्लीफाई करते हैं थर्टी वाज आर थर्टी थर्टी टूज आर सिक्स आर फोर्टी तो जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो है ट्वेंटी फोर स्टूडेंट्स इसको हम एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं वो मेथड है मीन्स ये जो तो दरम्यान वाली दो वैल्यूज हैं इनको हम कहते हैं मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स तो डियर स्टूडेंट्स हम इसको इस मेथड से भी सॉल्व करते हैं इसको हम लिख सकते हैं सिक्सटी इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू फोर्टी एट इज मल्टीप्लाइड बाई थर्टी अब देखिए सिक्सटी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है क्वेश्चन की दूसरी साइड में जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू फोर्टी एट इज मल्टीप्लाइड बाई थर्टी इज डिवाइडेड बाई सी इसको सिंप्लीफाई करते हैं थर्टी वाजा थर्टी एंड थर्टी टू आर सिक्सटी टू वाज टू एंड टू ट्वेंटी फोर आर फोर्टी एट तो डियर स्टूडेंट्स जो अननोन फोर्थ प्रोपोर्शन है उसकी वैल्यू है ट्वेंटी फोर

क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक एवरेज ऑफ एम नंबर्स ये हमें मालूम है ये है एम स्क्वायर और एवरेज ऑफ एन नंबर्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें मालूम है जो कि है एम स्क्वायर और डियर स्टूडेंट्स हमें कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का कहा गया है डियर तो स्टूडेंट्स दो वेरिएबल्स के लिए जो कंबाइंड एथमेटिक मीन का फार्मूला होता है इसको हम लिखते हैं एक्स बार सी इज इक्वल टू एन वन एक्स बार वन प्लस एन टू एक्स बार इज डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू अब एवरेज एन स्क्वायर है तो यहां पे एन वन होगा एम इज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज एक्स बार वन यहां पे एम नंबर्स की एवरेज होगी जो कि है एन स्क्वायर प्लस एन टू यहां पे होगा एन एन नंबर्स की एवरेज है एम स्क्र तो एक्स बार टू यहां पे एम स्क्वायर होगा इज डिवाइडेड बाय एन प्लस एम एन वन और एन टू की वैल्यू उसकी जगह अब यहां पे देखिए एम इन टू एन हम कॉमन लेते हैं यहां पे हमें हासिल होगा एन प्लस एम इज डिवाइडेड बाय एन प्लस एम ये कैंसल आउट हो गए तो हमें जो कंबाइन एवरेज हासिल होगी वो होगी एम इज मल्टीप्लाइड बाय एन या फिर एन इज मल्टीप्लाइड बाय एम। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर अली इज यंगर देन जिया बाय टेन इयर्स। इफ फाइव इयर्स बैक देयर एज वर इन रेशियो वन रेशियो टू देन हाउ ओल्ड इज जिया क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अली जिया से दस साल छोटा है अगर 5 साल पहले उन दोनों की एजिस की रेशो वन रेशो टू हो तो बताइए जिया की मौजूदा एज क्या है डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पांच साल पहले फाइव अगो, अली और जिया की एजिस की रेशो थी वन रेशो टू तो हम सपोज करते हैं कि जो अली है अली की एज है वन एक्स या फिर एक्स और जिया की जो एज है वो है टू एक्स अब प्रेजेंट इनकी एजेस क्या होंगी अली की जो मौजूदा एज होगी वो होगी एक्स प्लस फाइव इसी तरह जिया की जो मौजूदा एज होगी वो होगी टू एक्स प्लस फाइव लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जिया की जो एज है वो अली की एज से दस साल ज्यादा है यहां पर हम वैल्यूज पुट करते हैं जिया की एज है टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू अली की एज है एक्स प्लस फाइव प्लस टेन सिंप्लीफाई so, करते हैं हम इसको लिख सकते हैं टू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस फाइव प्लस टेन तो यहां से हमें एक्स की वैल्यू हासिल होगी टेन अब डी स्ट्रेंड जिया की जो प्रेजेंट एज हुआ है वो हमने सपोज की है टू एक्स प्लस फाइव तो यहां पे हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं टू इंटू टेन प्लस फाइव इज इक्वल टू टेन इंट टू द्वेंटी प्लस फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव तो जिया की प्रेजेंट एज है ट्वेंटी लेकिन अगर पांच साल पहले जिया की एज को कंसिडर करें तो जिया की एज होगी ट्वेंटी इयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन सिक्सटी फोर एंड एटी वन इज डियर स्टूडेंट्स हमने सिंपली 64 एंड 81 का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे ज्योमेट्रिक मीन हमें हासिल होगा जब हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी पावर में हम लेंगे वन इज डिवाइडेड बाय टू डियर स्टूडेंट्स जितने भी नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं उन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद उनकी पावर में वन इज डिवाइडेड बाय उन नंबर्स की तादाद लिखते हैं जैसे कि यहां पे तीन नंबर होते हैं तो हम तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते उनकी हैं उनकी पावर लेते हैं वन इज डिवाइडेड बाय थ्री अब डर स्टेंट हम इसको लिख सकते हैं एट स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय नाइन स्क्वायर होल की पावर वन ओवर टू हम इसको लिख सकते हैं एट स्क्वायर की पावर वन ओवर टू इज मल्टीप्लाइड बाय नाइन स्क्वायर की पावर ओवर टू तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें हासिल होगा एट की पावर टू इज मल्टीप्लाइड बाय वन ओवर टू इज मल्टीप्लाइड बाय नाइन की पावर टू इज मल्टीप्लाइड बाय बाय इज टू हमें हासिल होगा एट इज मल्टीप्लाइड बाय नाइन तो एट इज मल्टीप्लाइड बाय नाइन इज इक्वल टू सेवन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इफ सिक्सटीन ए प्लस सिक्सटीन बी इज इक्वल टू फोर्टी एट देन कैलकुलेट एवरेज ऑफ ए एंड बी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है सिक्सटीन ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर्टी एट और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कैलकुलेट करने का कहा गया है एवरेज ए और बी की डियर स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो है सिक्सटीन ए प्लस सिक्सटीन बी इज इक्वल टू फोर्टी एट यहां से हम सिक्सटीन कामन लेते हैं 16 into A plus B is equal to 48. अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर्टी एट इज डिडेड बाई स सिंप्लीफाई करेंगे हमें ए प्लस बी की वैल्यू हासिल हुई है थ्री अब एवरेज ऑफ ए एंड बी ये होगा सम ऑफ वैल्यूज़ जो कि बनती है ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो कि बनेगा टू क्योंकि ए और बी दो वेरिएबल्स हैं ये दो हमारे पास नंबर्स हैं तो ए प्लस बी की वैल्यू हमें मालूम है वो है थ्री इज डिवाइडेड बाय टू ये हमें हासिल होगा वन पॉइंट फाइव नेक्स्ट एक आदमी अपने महीने की तनहा में से पैंतीस खर्च कर लेता है और जो उसकी सेविंग्स हैं वो हैं बारह शरिया पांच परसेंट अपनी महाना तनहा का क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उसकी महाना इनकम या महाना तनहा क्या है students, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं हमें मालूम है कि स्पेंडिंग्स प्लस सेविंग्स ये मिला के उस आदमी की मंथली इनकम बनेगी अब फ्रेंड्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक उसने जो खर्चा किया है उसके बाद उसने बारह इशारिया पांच फीसद बचा भी लिया हम सपोज करते हैं कि उसकी माहाना जो इनकम है वो है हंड्रेड परसेंट अब यहां से हम स्पेंडिंग की परसेंटेज निकाल लेंगे यह हमें हासिल होंगी स्पेंडिंग इज इक्वल टू हंड्रेड परसेंट माइनस ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट तो डियर स्टूडेंट्स उसकी जो स्पेंडिंग्स है उसकी परसेंटेज हमें हासिल होगी एटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक उसकी जो स्पेंडिंग्स हैं वो हैं थर्टी फाइव हंड्रेड और ये स्पेंडिंग्स हैं एटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ मंथली इनकम जो कि हंड्रेड परसेंट बनती है दूसरे अल्फाज में हमने यहां से हंड्रेड परसेंट कैलकुलेट करना है तो एट्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट की वैल्यू अगर थर्टी फाइव हंड्रेड हो तो यहाँ से हम हंड्रेड परसेंट ईजिल कैलकुलेट कर सकते हैं हंड्रेड परसेंट की हमें वैल्यू हासिल होगी थर्टी फाइव हंड्रेड इज डिवाइडेड बाई एटी सेवन पॉइंट फाइव इज मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हमें हासिल होगा थर्टी फाइव हंड्रेड इज डिवाइडेड बाय एट सेवेंटी फाइव इज डिवाइडेड बाय टेन इज मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो डियर स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं थर्टी फाइव हंड्रेड

फोर थाउजेंड और हंड्रेड परसेंट हमने सपोज किया था मंथली इनकम तो मंथली इनकम होगी उस आदमी की चार हजार रुपए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टी इफ एन एलॉय कंटेन्स कॉपर एंड सिल्वर इन द रेश सेवन देन परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ सिल्वर इन द एलॉय इज क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक एलॉय है कॉपर और सिल्वर का और इसमें कापर और सिल्वर की मिकदार थ्री रेशो सेवन के हिसाब से है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए सिल्वर की इस में कितने मिकदार है डियर स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक कापर और सिल्वर की जो रेशो है एलॉय में वो है थ्री रेशो सेवन हम सपोज करते हैं कॉपर की जो क्वांटिटी है वो है थ्री एक्स और इसी तरह सिल्वर की जो क्वांटिटी है वो है सेवन एक्स सो टोटल एलॉय होगा थ्री एक्स प्लस सेवन एक्स इज इक्वल टू टेन तो सिल्वर सॉरी टेन एक्स तो सिल्वर की परसेंटेज होगी मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड एक्स एक्स से कैंसल आउट हो जाएगा टेन वाजआर टेन एंड टेन टेन्स आर हंड्रेड सो सिल्वर की परसेंटेज होगी टेन इंटू सेवन आर सेवेंटी परसेंट बिस्मिल्ल रन रहीम असल डियर स्टूडेंट्स अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुश कहा जाता है एफपीएससी एएसएफ इंस्पेक्टर बैच वन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर अ मिक्सचर कंटेन्स ट्वेल्व परसेंट कॉपर हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ मिक्सचर इज रिक्वायर्ड टू गेट सिक्सटी नाइन किलोग्राम ऑफ कॉपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक मिक्सचर में बारह कॉपर है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि एक मिक्सचर कितने किलोग्राम हो कि उसमें किलोग्राम कॉपर हो Trends, एक बात याद रखिएगा अगर मिक्सचर में बारह परसेंट कॉपर है तो मिक्सचर जितना भी होगा उसका बारह परसेंट सिक्सटी नाइन किलोग्राम होगा तो स्टूडेंट्स सिंपली हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीशेप करते हैं हम इसको लिखते हैं ट्वेल्व परसेंट ऑफ वट Is 69. अगर हमने इसको सॉल्व कर दिया तो हमें मिक्सचर के किलोग्राम पता चल जाएंगे कि मिक्सचर की क्वांटिटी है क्या तो डी ओ स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अब डी ऑर्सू हमें वाट नहीं मालूम हम इसको एक्स सपोज करेंगे क्योंकि अन क्वांटिटी है तो हम इसको लिखेंगे ट्वेल्व परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी नाइन तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वेल्व इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज बाई हंड्रेड इज इक्वल टू नाइन अब देखिए हंड्रेड डिवीजन में है जब इक्वेशन की दूसरी साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और इसी तरह ट्वेल्व यहां मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन की दूसरी साइड में जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू सिक्स इज मल्टीपाइड्रेड इज अब डियर ट इसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं फोर थ्री एंड फोर इंटू ट्वेंटी तो हमें यहाँ एक्स की वैल्यू हासिल होगी ट्वेंटी थ्री इज़ मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव तो जब ट्वेंटी थ्री को ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करें तो हमें हासिल होता है फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव तो डियर्स फ्रेंड्स मिक्सचर की जो क्वांटिटी होगी वो होगी फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव किलोग्राम और इसमें ट्वेल्व परसेंट कापर है तो ट्वेल्व परसेंट कापर बनेगा सिक्सटी नाइन किलोग्राम